हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द हिंदू जोन। और आज हम जानेंगे बेस्ट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और बात करते हैं यहाँ पर एस्पिरेंट्स से और बुक स्टोर ओनर्स से। तो चलिए। पर मैं ये कहूँगा कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। अप्रॉक्स 50% ऑफ कोर्स अभी तक कंप्लीट हो चुका है। हमारे साथ है क्या एस्पिरेंट, आइए जानते हैं इनसे कि ये किस तरीके से तैयारी करते हैं। हेलो। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम सुमित है। सुमित, आप कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? बाजीराम एंड रवि। आपने बाजीराम को ही क्यों चूज किया? क्योंकि मैंने सुना हुआ है अपने सीनियर से कि सबसे बेस्ट जो कोचिंग है, और मतलब बाकी और भी कोचिंग है, बट जो कोर्स कम्प्लीट करा देता है टाइम पे वो बाजीराम ही है। तो बाजीराम में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, लाइक कितनी टेस्ट सीरीज दी जाती है, कितना सीरीज होती है, वो सब बताइए। टेस्ट सीरीज का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन मतलब जितने भी टेस्ट सीरीज है, तो जो जीएस का कोर्स लेते हैं वो सब उनके पास अवेलेबल होती है। आप कब सोच रहे हैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने का? मेरा 2025 में है फर्स्ट अटेम्प्ट। 25 में आप सोच रहे हैं? आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी तक सोचा है? जी सोच लिया है। हिस्ट्री। हिस्ट्री आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सोचा है, तो बाजीराम में हिस्ट्री की तैयारी कैसे होती है? बाजीराम में हिस्ट्री की तैयारी मतलब हिस्ट्री के ऑप्शन की अलग क्लासेस होती हैं, और जो हिस्ट्री की फैकल्टी है जैसे पीडी सर हो गए या फिर मोहम्मद तारिक सर हो गए, तो ऐसे अलग अलग टीचर रहते हैं, चार टीचर्स हैं वो लेते हैं। तो आप कोई सलाह देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को जो तैयारी करें? मतलब ऐसे अभी मैं उस स्टेज पर हूँ कि किसी को सलाह दे सकूँ, पर मैं ये कहूँगा कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। बाकी मतलब कोचिंग में आगे ये होता है कि आपको एक आप सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपने बोला कि सेल्फ स्टडी का, तो सेल्फ स्टडी का कितना पोर्शन रहता है आपकी पढ़ाई में, और कोचिंग से जो मटीरियल प्रोवाइड होता है उसका कितना पोर्शन रहता है? मतलब मेजरली तो सेल्फ स्टडी है, यहाँ पर आगे आप बस ये होता है कि आप सिलेबस से फैमिलियर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। तो हमारे साथ है और भी एस्पिरेंट, चलिए जानते हैं ये किस तरीके से अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस तरीके से यूपीएससी क्लियर करने के लिए कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। अमन, आप दोनों कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? हम दोनों विजन आईएएस के स्टूडेंट हैं। विजन आईएएस को ही आपने क्यों चूज किया? क्योंकि इसके बारे में हमने काफ़ी सुना था कि काफ़ी टॉपर्स यहाँ से निकलते हैं, और प्लस ये 2 साल का मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी देता है इस वजह से। और मेरा मानना है कि यहाँ पे आने के बाद हमको जैसा हमने सुना था वैसा हमको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब उस तरीके की फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड की जा रही है, और जो कि हमको यहाँ पे पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने अभी सोचा है कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो विजन आईएएस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए क्या क्या टेस्ट सीरीज और फैकल्टी हैं उनके बारे में बताइए प्लीज। हिस्ट्री ऑप्शनल तो मतलब वजन में नहीं चलता, वजन में केवल जीएस चलता है, ऑप्शनल के लिए हमें कहीं बाहर से करना पड़ेगा कोचिंग। मैम मेरा ज्योग्राफी है, और मैंने अपनी ज्योग्राफी दृष्टि आईएएस से की है, प्रयागराज सेंटर से। प्रयागराज सेंटर। तो प्रयागराज सेंटर और विजन आईएएस में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? मैम डिफरेंस लिटिल नॉट मोर देन, बट टाइम ड्यूरेशन इससे ज़्यादा मतलब डिफरेंस है कुछ नहीं, मतलब वहाँ भी पढ़ाई अच्छे से ही होती है, जहाँ तक है कि वहाँ भी टीचर अच्छे से ट्रीट करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर्सनल मतलब पर्सनल ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कि अगर पर्सनल अगर कोई नीड हुई तो आपको प्रोवाइड कराएंगे, टीचर्स मतलब हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू दिल्ली। तो आप लोगों ने सोचा है कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब तक देंगे? 2025 में तो अभी टाइम है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उसमें सेल्फ स्टडी कितना काम कर रहा है, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए? सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी रहता है, अगर हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो सब कुछ वो मतलब दिमाग से उतर जाता है, तो मतलब कि सही है सेल्फ स्टडी अभी चल रहा है हम लोगों का। मैम यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह है वो मतलब हार्ड एंड रफ कह सकते हैं, क्योंकि मुझे देखिए जहाँ तक पता लगता है क्योंकि क्लासेस का जो टाइमिंग है और नंबर ऑफ क्लासेस है वो ज़्यादा है इन अ सिंगल डे, तो थोड़ा सा रिविजन में थोड़ा टफ होता है, बट करना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। हमारे साथ है और भी एस्पिरेंट, जानते हैं कि वो अपनी तैयारी और अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना रहे हैं। हेलो। हेलो, आपका नाम? वास्तव मनी। आकाश चौधरी। आप दोनों कब से तैयारी कर रहे हैं और कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीईएसई फ्रॉम नेक्स्ट आईएएस एंड सिंस लास्ट वन ईयर। Yeah, same. I am preparing for next IAS from last 3 months, and preparation is going pretty well, fluently.
and currently in between the classes, 50% of around 50% of syllabus has been done, and so and it's pretty going pretty well. So, आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं और मतलब कितना कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है अभी तक? Approx 50% of course अभी तक कंप्लीट हो चुका है जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है. और उससे पहले सेल्फ स्टडी करते थे एट माई होम टाउन. तो हाँ, मतलब लगभग फिनिश होने वाला है. सेम की प्रिपरेशन तो 6 महीने के आसपास से चल रही है. अभी नेक्स्ट आई एस 3 महीने से ज्वाइन किया था और अराउंड 50% ऑफ सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड एंड गोइंग प्रेटी वेल नाउ. एंड टीचर्स भी काफ़ी बढ़िया हैं और बाकी साथ में उनका एग्जाम वगैरह जो उनका पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है. उनका एग्जाम पैटर्न वगैरह जो है वीकली टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह. लेवल ऑफ टीचर्स इज ऑल्सो गुड एंड द टीचिंग लेवल ऑफ टीचर्स इज प्रेटी गुड. द नॉलेज बेस इज प्रेटी गुड. सो इट्स काइंड ऑफ गुड फॉर नाउ. तो आपने कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ किया है अभी तक उसके बारे में बताइए और कौन सी फैकल्टी वहाँ पर पढ़ाते हैं? मैंने जियोग्राफी चूज़ किया है और इसके फैकल्टी हैं आलोक रंजन सर. वो नेक्स्ट आई एस सी में पढ़ाते हैं. तो अभी तो लगभग ख़त्म होने वाला है जियोग्राफी का. बाकी इसके पूछ लीजिए आप. माई ऑप्शनल इज मैथमेटिक्स एंड आई हैव डन इट फ्रॉम आई एम एस इन द ORM एंड सर वेंकैया सर हैज़ बीन टीचिंग वेंकन्ना सर हैज़ बीन टीचिंग आई एम एस इन द आई एम एस एंड आई हैव कम्प्लीटेड द होल सिलेबस ऑफ द मैथमेटिक्स बिकॉज आई वॉज प्रिपेरिंग सिंस द लास्ट ईयर. And it takes around 1 year, 1 and 1.5 years. So it's completed for now. And I think I have pretty good command on it. आपने यही coaching institute क्यों choose किया? Because of faculties in next IAS are pretty well. They have experience, they have knowledge, and they can share immense knowledge that we can't have from any other coaching institute like Dristi and Vajiram. And उनके faculties की बात अलग है. They have faculties from Lavasna also, from ex-IAS, from ex-servicemen, ex-IAS officer. So they have pretty well knowledge. Some of my friends has taken the coaching from next IAS and the reviews were pretty good. So I gave it a chance and I think I have made the right choice by taking the next IAS coaching after taking classes. And I think this is the best choice an aspirant can get in the Delhi for UPSC preparation. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू. तो आज के लिए बस इतना ही. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए और यूपीएससी से जुड़े और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द हिंदू जोन के साथ. मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.